फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सीलेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम और मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड सीएम राइस स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके 2022 के पेपर में आ सकते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को लिखते जाइएगा। ये ऐसे क्वेश्चन किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे, तो इन क्वेश्चन को लिखते जाइएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं इन क्वेश्चन को और लिखते जाना है, जिससे कि आपके पास लास्ट टाइम रिवीजन को बने रहें। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो आइए करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हिंदी के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाथ पाए फूलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो मुहावरे का अर्थ होता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर ज़रूर बताते जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और तो इसका जो आंसर है वो है घबरा जाना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से भिन्न संज्ञा क्या है। तो इसमें जो है ना गोवर्धन भिन्न संज्ञा है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत है, गंगा नर्मदा और यमुना जो है ना नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो ये श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है ये। क्वेश्चन नंबर फोर, जिस समाज में अन्य पद की प्रधानता होती है उसमें होता है, कौन सा समाज होता है। तो ये जो होता है बहुविग्रीय समाज, आपका भी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं आस्तिक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, आदिश्वर में उपसर्ग क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है आदि इसका सही आंसर होता है। आदिश्वर में जो है ना उपसर्ग कौन सा होता है, सॉरी इसका जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है, अद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, आंसू का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आंसू का जो पर्यायवाची शब्द है वो है नए नंबू, इसका जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, पीपर पात सरस मन डोला काव्य में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वो है आपका ऑप्शन सी उपमा अलंकार, क्योंकि सासी से सरस वाले जो अलंकार होते हैं वो उपमा होते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्न में से किस में समानार्थी शब्द युग्म है। तो इसमें जो है ना आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन कामकाज, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, प्राचीन काल से संबंधित के लिए उपयुक्त तो शब्द में से एक शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन ऐतिहासिक, सॉरी इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी प्रारंभिक, इसका सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन, सूरदास की कृष्ण भक्ति है, सूरदास की जो कृष्ण भक्ति है वो किस टाइप की है, वो है आपकी सखा भाव की, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है सखा भाव। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द जो है विहग नहीं है, इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन, मुक्ति छंद निम्नलिखित में से किस कवि की देन है। तो ये जो छंद की देन है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन, मुक्ति छंद किस कवि की निम्नलिखित में से देन है। तो ये जो है ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये देन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए परम प्लस आत्मा, इसका सही आंसर है और ये इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, अनुराग शब्द का सही विलोम क्या होगा। इसका जो सी ऑप्शन है विराग, इसका सही आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट इस तरह हमने ये पार्ट सेकेंड हिंदी में 15 क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट कर लिए हैं। ये आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें और दोस्तों भी ज़्यादा शेयर जरूर करें और चैनल के सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाने की कोशिश जरूर करें, जिससे कि मैं बहुत जल्द आपकी ऑनलाइन क्लास ले सकूँ। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ, जिससे आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। जय हिंद फ्रेंड्स।